हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग रिजल्टेंट फैक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप रिजल्टेंट फैक्टर और रिजल्टेंट फैक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड फार्मूला को हम लोगों ने देखा था और उसको प्रूव भी किए थे। अब आइए से रिलेटेड हम लोग नंबरिकल करते हैं और फर्स्ट नंबरिकल आपके सामने है रिजल्टेंट फैक्टर से। आइए समझते हैं पहले बारीकी से। कह रहा है कि दो बल, अच्छा दो सदिश, सदिश जो है बल जो है एक तरह सदिश राशि है, तो दो बल जिनके परिमाण 9 व 12 न्यूटन है परस्पर 90 डिग्री कोण को बनाते हुए स्थित है। यानी सवाल में यह कह रहा है, सबसे पहले हमें यह देख लेना है कि हमें दिया क्या है। तो हमें यह दिया है कि पहला फोर्स का मान 9 न्यूटन दिया हुआ है और दूसरा जो फोर्स है वो कितना न्यूटन है, 12 न्यूटन है। और कह रहा है कि परस्पर 90 डिग्री कोण को बनाते हुए स्थित है, तो 90 डिग्री बोल सकता है, 60 डिग्री बोल सकता है, 0 डिग्री बोल सकता है, 180 डिग्री बोल सकता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो थीटा का मान 90 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहे कि उनके परिणामी बल, तो परिणामी को हम लोग क्या माने थे, आर माने थे, तो परिणामी एवं दिशा, और दिशा को हम लोग क्या माने थे, अल्फा। दिशा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे फिर अल्फा निकालेंगे। यहां पर हम लोग कहेंगे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। तो जस्ट आप देख रहे थे कि आर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा होता है। अच्छा, अगर हम ए की बात करें तो ए का मान 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। बी की अगर बात करें तो बी का मान 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 2। और ए का मान कितना है, 9, और बी का मान कितना है, 12 है, और इंटू कॉस थीटा, थीटा का मान 90 है, तो cos थीटा का 90 डिग्री का मान तो 0 जानते ही है। अच्छा, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 में 81 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अच्छा, 2 गुना 9 गुना 12 और cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो 0 को इन तीनों से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तो नॉलेज है ही हम लोग को, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ए का मान और बी का मान बिठा दिए हैं और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 गुना इतना तो क्या हो जाएगा, 0। तो 81 और 144 को जोड़ेंगे तो 4 1 5, 4 और 8, 12 का 2 हाथ में रहा, 1 1 और 1 2, यानी 225। अब 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 15 होता है। रिजल्टेंट परिणामी बल का जो मान निकल गया यहां पर वो कितना न्यूटन निकला, 15 न्यूटन निकला, ठीक। साथ ही साथ कह रहा है कि दिशा निकाले, तो अगर हम दिशा की बात करें यानी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, टेन अल्फा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला याद कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि बी इंटू साइन थीटा बटे ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा, आप लोग को याद होंगे। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि टेन अल्फा, ठीक है। और बी, अच्छा बी का मान कितना दिया है, बी का मान कहां है, बी का मान, हाँ बी का मान 12 है, तो बी का मान यहां 12 बैठा दिए, और इंटू साइन थीटा, और थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 बैठा दिए यहां पर, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और बटे ए प्लस, ए का मान कितना है, 9, तो 9 रख दिए, प्लस बी, बी का मान यहां पर 12 है तो 12 रख दिए, और इंटू कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि टेन अल्फा बराबर 12 और साइन 90 का मान 1 होता है बटे 9 प्लस 12 और कॉस 90 का मान तो 0 होता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि टेन अल्फा बराबर 12 का कितना होगा, 12। अच्छा, 12 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0, और 0 प्लस 9 तो नीचे तो 9 ही हो जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए, 4 3 12 3 3 9, तो डायरेक्टली से यहां पर हम लोग कहेंगे कि टेन अल्फा बराबर 4/3, तो अल्फा बराबर टेन उधर जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 4/3, यही हमारा क्या हो गया आंसर, एक आंसर हो गया, ठीक। इसमें दो चीज निकालने बोला था, एक मैग्नीट्यूड निकालने बोला था यानी परिणामी बल, आर का मान निकालने बोला था, और एक डायरेक्शन, दिशा निकालने बोला था। तो अल्फा जो है वो डायरेक्शन को बतलाता है, ठीक है। आई होप ये सवाल आप लोग को 100% समझ में आ गया है, तो सवाल को आप लोग लिख लीजिए और यहां से सॉल्यूशन पर इस भाग को उतारिए और उसके नीचे यहां से उतारिए, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा सवाल में चलते हैं। तो दूसरा सवाल आपके सामने है बोर्ड पर, आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि बराबर परिमाण के दो लंबवत बलों,
दो बल का मान दिया, एक ए और दूसरा बी, और दोनों का मान क्या है, बराबर है। देखो नंबरिकल है और नंबरिकल को समझना पड़ता है, उसका लाइन को कंसेप्ट को समझना पड़ता है। ये कोई ये नहीं है, वैल्यू दिया हुआ नहीं है जो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बराबर परिमाण के दो लंबवत बलों का रिजल्टेंट 10√2 न्यूटन है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे यहां पर कि दो बराबर परिमाण का लंबवत बल, फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन में कि लेट, लेट मतलब क्या होता है, मान, माना फर्स्ट फोर्स, फर्स्ट फोर्स, तो फर्स्ट फोर्स ए है और सेकेंड फोर्स ये भी क्या हो जाएगा, ए। इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, यानी फर्स्ट, ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट फोर्स ए जो है उसे हम लोग एक्स मान लिए और जो सेकेंड फोर्स है, ठीक है, जो बी था उसे भी हम लोग एक्स मान लिए। एक्स इसीलिए मान लिए क्योंकि दोनों का मान क्या है, कह रहा है कि बराबर परिमाण के दो लंबवत। तो जब लंबवत बोला है तो इसका मतलब है कि थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और रिजल्टेंट का मान दिया है यहां पर 10√2 न्यूटन। तो हमें कह रहा है कि प्रत्येक बल यानी ए और बी का मान निकालो। तो भाई ए और बी दोनों तो बराबर है और दोनों को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं। अगर एक्स का मान निकल जाता है तो इसका मतलब ए और बी दोनों का मान निकल जाएगा। यहां पर हम लोग कहेंगे कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। तो आर बराबर रूट अंडर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। अच्छा आर का मान क्या दिया है, 10√2 बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का मान, ए का मान एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अच्छा बी का मान भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए का मान एक्स है, बी का भी मान एक्स है, इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री। चलो सबका मान हमने रख दिया है, ए बी और आर का। यहां पर हम लोग कहेंगे 10√2 बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2x गुना x, तो 2x² और cos 90 का मान होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे 10√2 बराबर, और यहां पर 0 गुना 2x², तो भाई 0 गुना 2x² क्या हो जाएगा, 0, तो हमारे पास 2x² ही बचेगा। अब आप ही मुझे बताओ कि 10√2 यहां एक्स स्क्वायर तो निकल जाएगा लेकिन रूट टू तो नहीं निकलेगा, या रूट टू क्या हुआ, कैंसिल, रूट टू रह गया लेकिन एक्स का एक एक्स निकल गया, तो एक्स बराबर क्या आया, 10 आया। तो यहां पर हम लोग कहेंगे अतः पहला बल ए माने थे एक्स, इसका भी मान 10 न्यूटन है, और दूसरा बी माने थे उसको भी एक्स माने थे, वो 10 न्यूटन माने नहीं थे चूंकि ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, कि बराबर परिमाण है तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों फोर्स का मान क्या हो गया, 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोग के सामने है, अगर कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं फिर से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार समझाऊंगा, ठीक है। आप देखो मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि आप समझ पाए, ठीक है, फिजिक्स को समझ पाए, फिजिक्स के कंसेप्ट को, फॉर्मूला को, नंबरिकल को समझ पाए। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से डरते हैं कि फिजिक्स का नंबरिकल नहीं बनता है, फॉर्मूला प्रूफ नहीं होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं फिजिक्स बहुत ही आसान है, बस उसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये दूसरा नंबरिकल है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 10 न्यूटन का दो सामान परिमाण बल का रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन है तो एंगल क्या होगा, यानी उसके बीच का एंगल क्या होगा। तो 10 न्यूटन का दो सामान परिमाण, यानी हम लोग यहां पर यह कह सकते हैं कि ए का मान भी 10 न्यूटन दिया है और बी का मान भी 10 न्यूटन दिया है, दोनों बल यानी फर्स्ट फोर्स ए, दूसरा फोर्स बी, दोनों का मान समान है, समान परिमाण का 10 न्यूटन बोल दिया, और रिजल्टेंट भी जो है आर भी 10 न्यूटन है, तो कह रहे हैं एंगल क्या होगा, यानी थीटा बराबर वन, ठीक है। ये सवाल है, अगर आप सवाल समझ लिए हैं तो आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, तो भाई जानते हैं क्या, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। अच्छा आर का मान कितना दिया है, 10 न्यूटन रिजल्टेंट का मान, ए का मान कितना दिया है, ए का भी मान 10, तो 10 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2a, ए का मान भी 10 है, बी का मान भी 10 है, और थीटा का मान निकालने बोला है तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है।
तो 10 रूट अंडर, अब यहां पर हम 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अच्छा 10 गुना 10 100 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 200 इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे 10 और 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, और यहां है 200 इंटू कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे इसको जोड़ देंगे, भाई नहीं जुटेगा, यहां कॉस है यहां कॉस नहीं है। अब रूट इधर आएगा तो रूट आएगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास 200 प्लस 200 इंटू कॉस थीटा बच रहा है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये 200 इधर आएगा तो माइनस 200 बराबर 200 इंटू कॉस थीटा बच रहा है। अब आप ही मुझे बताओ कि 200 में 100 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर माइनस 100 बचेगा, और इधर 200 इंटू कॉस थीटा है, 200 इंटू कॉस थीटा 200 इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, अच्छा यहां पर माइनस 100 और 200 आके भाग लग जाएगा, बराबर क्या होगा कॉस थीटा, 20 20 कैंसिल तो माइनस 1/2 बराबर कॉस थीटा। आपको मालूम है कि -1/2 कितना डिग्री कोण का मान होता है, तो ये जो मान होता है वो 120 डिग्री का होता है बराबर कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी दोनों वेक्टर जो समान वेक्टर का जो परिणाम रिजल्टेंट भी जो था वो 10 था। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में जो एंगल का मान होगा वो कितना डिग्री होगा 120 डिग्री होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपके सामने जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बोर्ड पर है, आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। कह रहा है कि दो बल 3p एवं 2p। अच्छा एक बात बताओ, अभी इससे पहले हम लोग सवाल बनाए थे तो उसमें डिजिट दे रहा था 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 9 न्यूटन, तो कुछ भी दे सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नहीं, दो बल में एक बल का मान 3p है और दूसरा का मान 2p है कह रहा। ठीक है, और उसका रिजल्टेंट r है। अब यहां से क्वेश्चन टर्न ले रहा है कि यदि पहले बल को 2 गुना कर दिया जाए, यानी पहला जो बल है उसे अगर 2 गुना कर दिया जाए तो रिजल्टेंट भी 2 गुना हो जाता है, तो दो बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो IIT और NEET में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, सबसे पहले हम लोग को ये देख लेना है कि हमें दिया क्या है और हमसे क्या मांग रहा है। ठीक है, तो पहला लाइन कह रहा है कि दो बल, यहां पर हम लोग कहेंगे कि भाई ए बराबर 3p है, और दूसरा बल जो बी हम लोग मानते हैं, बी का मान क्या है 2p है, और रिजल्टेंट जो है वो आर ही है। रिजल्टेंट क्या है आर, यहां बोल दिया रिजल्टेंट आर है। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, देखे देखो यहां पर मैं अंडरलाइन भी कर दिया हूं। ठीक है, आप लोग पहले सवाल लिख रहे ना तब कैलकुलेशन कर। तो दो बल, पहला है 3p और दूसरा है 2p, ए का मान 3p और बी का मान 2p और आर का मान आर है। यहां पर हम लोग कहेंगे कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, तो भाई क्या जानते हैं, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा होता है। अच्छा थीटा का मान लास्ट में निकालने बोला है कि बलों के मध्य कोण ज्ञात करो, थीटा का मान तो दिया ही नहीं है। अच्छा आर का मान तो यहां आर है रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का मान 3p तो 3p का स्क्वायर, बी का मान 2p तो 2p का स्क्वायर प्लस 2a, ए का मान कितना है भाई 3p है, इंटू बी का मान देखिए क्या दिया हुआ है 2p इंटू कॉस थीटा, थीटा का मान तो निकालने बोला है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे r बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर तो 9 और p का स्क्वायर 9p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर 4p स्क्वायर। ठीक है, तो 3 × 6 और 6 × 12 तो यहां पर 12 हो जाएगा, और p × p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, r बराबर अंडर रूट, अच्छा 9 और 4 यहां जुट जाएगा 9p स्क्वायर और 4p स्क्वायर, तो यहां पर 13p स्क्वायर हो जाएगा यानी 13p स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास बच रहा है 12p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो इस टाइप का सवाल सबसे ज्यादा एंट्रांस में पूछा जाता है IIT नीट में। वैसे मैं ये सब बात नहीं बताता हूं कि ये सवाल इसमें पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है, ये सब बकवास बात है सब। ठीक है, सबसे पहली बात है हमें सीखना है किसमें पूछा जा रहा है किसमें नहीं पूछा जा रहा है, ग्रुप डी में पूछा जा रहा सवाल नहीं बन रहा, तो सब कुछ ये है तो सीखना है। ठीक है, वो सब चीज पर ध्यान नहीं देना है, बहुत सारे लोग कमेंट करेगा दिस दैट ये वो फन्ना चिन्ना, सब बकवास बात है। ठीक है,
तो 90 स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। संख्या से हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। देखने दो यहां पर ये वाला लाइन हम लोग सॉल्व कर दिए, r है। अब यहां से देखो, यदि पहले बल को, तो पहला बल कौन है, a को दो गुना कर दिया जाए तो रिजल्टेंट भी दो गुना हो जाता है, आर भी कितना गुना हो जाता है, दो गुना हो जाता है। यही समझना है, ठीक है। इस लाइन को नहीं समझिएगा ना, यदि पहले बल को दो गुना कर दिया जाए तो रिजल्टेंट भी कितना गुना हो जाता है, दो गुना हो जाता है। दोनों बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, यानी बोल रहा है कि ए का मान दो गुना, तो ए का मान तो 3p दिया ही है, दो गुना करेंगे तो 6p हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है सर बी का मान कितना होगा, तो बी के बारे में, दूसरा बल के बारे में, दूसरा फोर्स के बारे में दूर दूर तक सवाल में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब है कि बी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन मैं लिखूंगा कि पहला फोर्स को दो गुना करने पर आर भी, आर मतलब क्या, रिजल्टेंट भी दो गुना हो जाता है। तो अब यही फॉर्मूला जो है फिर से हम लोग बैठाएंगे, तो आर के जगह यहां पर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि r भी दो गुना हो जाता है, यहां पर बोल दिया है रिजल्टेंट भी दो गुना हो जाता है, तो r के जगह 2r होगा बराबर रूट अंडर। अब a, तो भाई a का मान, पहला फोर्स a है 3p है, तो दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b का मान में कोई परिवर्तन नहीं है, तो 2p का स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस 2a, a का मान 3p था तो दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6p यहां पर बैठाया हुआ है, एक स्क्वायर के जगह 6p, और b का मान जो है 2p होगा इंटू कॉस थीटा होगा। एंगल पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, एंगल का मान निकालने बोला है, देखो कुछ नहीं किया है, वही सेम। अगर इस लाइन को और इस लाइन को देखेंगे तो r का मान यहां r है, यहां पर 2r है, यहां पर a का मान 3p है, यहां पर 6p है, क्योंकि पहला मान को दो गुना कर दिया तो 3 के जगह 6 हो जाएगा और r के जगह 2r हो जाएगा, बाकी बस सब सेम है, जहां जहां a है वहां पर 6p दिया है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि 2r बराबर रूट अंडर, अच्छा 6 का स्क्वायर तो 36, p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 का p स्क्वायर प्लस 6 गुना 12, 12 गुना 24 और p गुना p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं आईआईटी नीट। तो यहां पर हमारा जो है वो 2 है और r का मान हम लोग समीकरण 1 से लेंगे, देखो ये मान r का निकाल के हम रखे हैं यहां पर, तो r का मान क्या है, रूट अंडर 13p² प्लस क्या है भाई, 12p² इंटू cos थीटा है। ये मान हम यहां r का मान रख दिए, कहां से रख दिए, समीकरण 1 से रख दिए, यानी r के जगह, और जो मान है उधर वो वही रहेगा रूट अंडर। तो रूट अंडर आप गौर करो कि 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40p², ठीक है, और प्लस यहां पर है 24p² इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हाँ वर्ग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, दोनों तरफ बराबर संख्या में सब कुछ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 2 रूट अंडर 13p² प्लस 12p² इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा रूट अंडर 14p² प्लस 24p² इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 13p² प्लस 12p² इंटू कॉस थीटा बचेगा, यहां भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 40p² प्लस 24p² इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, खाली 2 बाहर था, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब 4 को इससे गुना करेंगे तो 13 चौके कितना होता है, 52p² और बढ़ चुके 48p² इंटू कॉस थीटा बराबर 40p² प्लस 24p² इंटू कॉस थीटा। एक काम करो, कॉस वाली को इधर ही रहने दो, इसको यही रहने दो और इसको इधर लिखाओ, जो 52 है उधर लेके चले जाओ, तो हमारे पास क्या हो रहा, 48p² इंटू कॉस थीटा
और ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा 24 पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इधर क्या बचा हुआ है 40 पी स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर लेकर आ गया, तो प्लस था तो माइनस हो गया। अब है कि 52 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 52 पी स्क्वायर, 48 में 24 घटेगा तो 24 पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बचेगा बराबर, देखो 48 पी स्क्वायर कॉस थीटा में 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा बचा तो 24 बचा, और 52 में 40 घटेगा तो माइनस 12 पी स्क्वायर होगा, ठीक है। हमें चाहिए थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर माइनस 12 पी स्क्वायर, और 24 पी स्क्वायर इधर आके भाग लग जाएगा, पी स्क्वायर कैंसिल, 12 का 12 12 दोनों 24 यानी माइनस 1/2 बच रहा है। और आपको मालूम है कि माइनस 1/2 कॉस कितना डिग्री का मान होता है 120 डिग्री का, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये था राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% समझ में आ गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को उतारिए और यहां से ए का मान, ठीक है, यहां से ये भाग जो है वो इसको लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है। क्या समझ में आया आप लोग को? ये अब तक हम लोग 4 हो गया है, ठीक है, और हम लोग जो है इससे रिजल्टेंट फैक्टर से एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, 2-4 क्वेश्चन, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो आपके सामने जो है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रिजल्टेंट फैक्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो समान बलों, दो फोर्स है ए और बी, दोनों समान है, तो दो समान बलों के रिजल्टेंट का जो वर्ग है उनके गुणनफल का 3 गुना है, यानी दोनों बलों के गुणनफल का कितना गुना है 3 गुना है, तो बलों के बीच का कोण है। पहला दिया है ऑप्शन ए पाई, जो 180 डिग्री को बतलाता है, पाई का मान कितना होता है 180। दूसरा है पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री को बतलाता है। तीसरा है पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री को बतलाता है, और पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री को बताता है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का, बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार इस क्वेश्चन को आईआईटी में, आईआईटी 2008 में पूछा गया है, और बीच बीच में नीट में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन में पलटेंगे तो बार बार के इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 का। इससे पहले हम लोग 4 नंबरिकल देखे, चारों इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसको हम लोग बनाए थे। ये क्वेश्चन आपको बनाना है कि दो समान बलों के रिजल्टेंट, देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है, यानी इनमें से कौन सी बात आपकी जहन से, माइंड से उतर जाए कि ये सवाल आपसे ना बने। तो आपको एक एक वर्ड पर फोकस करना है, सवाल ऐसा नहीं बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है। दो समान बलों के रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, परिणामी का वर्ग, उनके गुणनफल का 3 गुना है, बलों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। चलो, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि जो जरूरतमंद है उनको भी मिल जाए और वो भी पढ़ सके। अगर आप क्लास 11 बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आप चिंतित हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा क्लास 11 पढ़ाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को नोट भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, नोट भी आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ नोट का प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल में या फिर व्हाट्सएप में, या फिर मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वो नोट आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज को पढ़ने या फिर समझने के लिए समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं ही कोई चीज बता रहा हूं या मैं ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो इसमें समय देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप भी मतलब बहुत सारे लोगों को देख के देखिएगा, होता है ना कि एक मिनट देखता है, हड़बड़ी में करके एकदम फ्रैक्स वो आगे बढ़ जाता है, मतलब 10 बात में 2 बात को समझते हैं, 8 बात को छोड़ देते हैं, और जिसके कारण उसको समझ में नहीं आता है, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो काफी हम लोग स्लो मोशन में चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम जो है ट्रेन खड़ी है जंक्शन पर और हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और मतलब क्या ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ट्रेन को जाने दीजिए, उसका चिंता मत कीजिए, पहले फिजिक्स पढ़ लो अच्छी तरह से। और आप लोग क्लास 11 तो देखो, ये जो है क्लास बैकबोन कहा गया है क्लास 11 को, क्लास 12 के लिए। आप अगर 11 नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको 12 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है।
और इस सवाल का आंसर आपको बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा। मैं जरूर सबका आंसर चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में, देख रहा हूं कि आप लोग सही बना पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।